जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ लाडलू लाडलू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आप सभी को मैं ये बता दूं कि जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 2021 एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए ये बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है। लाडलू ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देने वाले, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज के लिए बता देता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर मैं इसमें बधाई वाली क्या बात है, हमने सही भरा था। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपने सही भरा था, अरे बधाई के पात्र हो आप, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए कि आप मान के चलिए कि आपके कंपटीशन को 20% तक नीचे कर दिया है। कंपटीशन लेवल 20% तक डाउन हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रात दिन मेहनत कर रहे थे ऐसे जेडी के लिए, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो आपका लकीली नहीं हुआ है। तो कंपटीशन में अब आपके धुरंधरों की संख्या 20% कम हो गई है, यानी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन आपको लिए एक खास बात बता दूं लाडू, अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर इसमें से अगर आपके कुछ भी कमी पाई गई तो मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। आपका अच्छी बात है एक्सेप्ट हो गया, याद रखिएगा इन बात की पूरी सावधान रखिए, नहीं तो बाद में रोओगे आप। जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उस समय मैंने 4 से 5 या 7 से 8 वीडियो बनाए थे बार बार कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ऐसे जीडी दोबारा मौका नहीं देगी, मौका नहीं देगी, लेकिन आप नहीं माने, आप भुगत। इसीलिए पहले से आगाह कर रहा हूं आपको। एक चीज और बता दूं लाडो साथ ही कि जो हमारी अकेडमी है कुचामन सिटी, आप सभी को पता होगा कुचामन सिटी राजस्थान में है, जयपुर के पास में, तो यहाँ पर हमारी अकेडमी है लाडो। अगर आप हमारी अकेडमी में आके तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस, आर्मी और एसएससी जीडी एसएससी हेडक्वार्टर के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं गारंटेड बैच में तो आप आ सकते हैं लाडलू। सभी प्रकार की सुविधा, हॉस्टल, रहना खाना सब प्रकार की सुविधा है, कुछ आप जा सकते हो हमारे अकेडमी में, अकेडमी के बारे में व्यू देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लाडलू आ सकते हो। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया कमांडो अकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर से जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप लाडलू। साथ में अंतिम समय एसएससीजीडी के लिए तो टेस्ट सीरीज पक्का मारिए, मात्र 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कमांडो अकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से डाउनलोड करिए और तुरंत जाके टेस्ट मारिए लाडलू, बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ लाडलू, जितने बच्चे एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको कि उनके लिए क्या क्या जरूरी है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम देने जाओगे आप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वहां पर रफ पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैथ सोल्व करने के लिए। लाडलू पेपर मिल जाएगा आपको, साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है पेपर, ठीक है, आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पेन जरूर साथ में लेके जाना, ये नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो पेन की जरूरत नहीं, पेन की जरूरत पड़ेगी तो पेन लेके जाना, पेपर मिल जाएगा आपको, पेपर की जरूरत नहीं। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको वहां पर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी डर है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होता है हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, तो हमारे को परेशानी हो जाएगी, नहीं बेटा वहां पर आपको पूरी मदद की जाएगी, आपको किसी भी समस्या का समाधान के लिए वहां पर पूरा स्टाफ अवेलेबल रहेगा जो आपकी मदद करेंगे। और उससे पहले आप एक बार कंप्यूटर में बैठ के एक बार चेक कर लीजिए डेमो, ठीक है। अब मैं बता दूं आपके लिए जरूरी क्या है, पेन तो आपको लेके जाना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तो पेपर देने जाओगे बेटा पेन तो लेके जाओगे ही जाओगे। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड पार्टी में पेपर है तो आपको एक दिन पहले चले जाना है बेटा एग्जाम सेंटर के पास में। अगर आपके नजदीकी एरिया में है यानी 60-70-80 किलोमीटर के एरिया में तब जरूरी नहीं है, नहीं तो ऐसा मत करना कि सुबह आपका 7:30-7 बजे से दिल के अंदर एक हड़बड़ाहट रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फिर पेपर में बहुत सारे होते हैं। इसलिए पढ़ लीजिए जाइए एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले। कितने घंटे पहले बेटा? 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। अपनी मानसिक स्थिति को रिलैक्स करने के लिए आपको समय लगेगा, ध्यान रखिए आप हड़बड़ाए हुए जाओगे बहुत सारी गलतियां जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे पहले चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण में अच्छे से सोचने का समझ का, पेपर से पहले अपने आप को मोटिवेट करिए कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरे को पूरे ध्यान से पेपर करना है। जो गलतियां मैं आज तक करते हैं उन गलतियों को अब मैं नहीं दोहराऊंगा आज के इस पेपर में, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में एक चीज और, ओवरलोडेड भी थिंक नहीं करनी है कि गलती हो गई तो क्या होगा, वैसी गलती हुई तो पेपर हार्ड आया तो, बेटा आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए सोच ही मत। आपको जो पेपर में लिखा होगा जो होगा सो होगा आपकी किस्मत में जो लिखा है, इसलिए सोचना कुछ भी नहीं।
सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की और आज मुझे अपनी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है, अच्छे से पेपर हैंडल करूंगा, इस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करना उसमें, ठीक है। अपने आप को मोटिवेशन देना और अच्छे से तैयारी करना कि मैंने अच्छे से तैयारी करके आया हूँ, शांति से पूर्ण में एग्जाम हल करूंगा बढ़िया तरीके से, बिल्कुल मस्त होके, किसी भी प्रकार का मेरे टेंशन नहीं है, घर की जो भी परेशानी है उनको घर पे भूल जाना बेटा, जो भी दुख तकलीफ उसको भूल जाना, पेपर में बिल्कुल ध्यान लगेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कितने घंटे पहले जाना एग्जाम, 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुँच जाना। अब 2 घंटे पहले एग्जाम विशेष करके सबसे पहले अपनी ID चेक करना कि आपके पास में ID कार्ड है, वो फोटो वाला होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल आपकी क्लीन फोटो दिखाई दे। इसके बाद में ID कार्ड में आपकी क्लीन फोटो दे, ध्यान रखिए कि इस ID कार्ड में आपका जो नेम है और आपके जो पापा का नाम है, यानी आपके जो पापा का नाम है, यानी पिताजी का, यानी फादर का जो नाम है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में या SSC में बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, वो क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। जब आपके वहां पे फिंगरप्रिंट अगर लिया जाएगा लाडलो, उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो मैं बताऊं आपको, जिस समय आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा उसमें विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, अपने हाथ को बिल्कुल साफ कर लीजिए क्लीन, और एग्जाम में जाने से पहले अगर जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते राशन दुकान पे ऐसा, तो उनको क्या करना है, टिकरी के पानी से 1-2 बार हाथ को धो लीजिए, ताकि हाथ की जो नमी है उसको पानी सोख लेगा, रुमाल से अच्छे से साफ करके और फिर एग्जाम देने जाना होगा, ताकि आपके फिंगरप्रिंट अच्छे से आ जाए। वहां पर फिंगरप्रिंट आपका जो फिंगर लगाया जाएगा उसको बहुत ही अच्छे से, साथ में वहां पर एग्जाम के समय जो आपको साइन करना है, यानी सिग्नेचर जो करना है लाडू, आप एग्जाम के समय सिग्नेचर जो करना है बिल्कुल वैसा करना है जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है, फॉर्म अप्लाई के समय। आप बोलोगे सर जी उससे अलग कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं बेटा, अगर बाय द वे आपका मान लो यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ गया, फिजिकल के समय नहीं आया, तो फिर आपके सिग्नेचर ही आपकी मैचिंग कराएंगे कि भाई ये वही बंदा है, तो उसमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसकी फिर फॉरेंसिक जांच होती है, तो आपकी सिग्नेचर की होती है, अगर आपका सिग्नेचर मैच करता है तो फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, तो वही सिग्नेचर करिए, फिंगरप्रिंट अच्छे से दीजिए, घबराइए नहीं, बढ़िया से आराम से फिंगरप्रिंट दीजिए, फिंगरप्रिंट लगने के बाद में हटा लीजिए, फिंगरप्रिंट आ गया ओके, उसके बाद में सिग्नेचर विशेष रूप से वही करिए जो आपने फॉर्म में अप्लाई के समय किया, उसी सिग्नेचर को करिए लाडले। अब एक बात और देखना, जब एग्जाम देना शुरू करो उस समय आपको वहां पर बताया जाएगा, वैसे इंस्ट्रक्शन तो रोल नंबर या पेपर ID या जो भी है उनसे ही आप शेयर पे बैठो, उस समय आपको पहले से क्लीन कर लेना है अपना, एक तो ID कार्ड आपको शुरुआत में चेक किया जाएगा, ID कार्ड का फिर वहां पर कोई भी काम नहीं, अपने ID कार्ड को साइड में रख दे, ठीक है, अपना रफ पेपर रख ले, और रफ पेपर का यूज बहुत ही अच्छे से करें, यूज है रफ पेपर का बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि आप ना सोचे जो मिला है उसमें अच्छे से यूज करें लाडलो उसको, और ध्यान पूर्वक एग्जाम दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, एक जिसके COVID-19 का अगर टीका नहीं लगा है तो लाडलो COVID-19 का जिसके फर्स्ट डोज लगा है वो लगा लीजिए, क्योंकि किसी से स्टेट में किसी भी समय घोषणा हो सकती है कि एग्जाम सेंटर पर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए COVID-19 का फर्स्ट टीका होना जरूरी है, तो जिसके नहीं लगा अभी तक फर्स्ट डोज अवश्य लगा ले, नहीं तो आगे जाके टेस्ट कर सकते हैं, अभी से लगा ले। अब जो आपकी जो ID कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी जिसमें फोटो आपकी हो, चाहे लाइसेंस है, चाहे आपका परिचय पत्र, अगर उसमें कोई माइनर मिस्टेक है तो अभी सुधार कर लीजिए, बाद में आप सुधार नहीं कर पाओगे, ठीक है लाडलो। याद रखिए आपका फोटो रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे से, अब आपको गलती नहीं करनी है, चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। आप कितने पढ़े, अब जैसे जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कितने भी पढ़े हो कोई मतलब नहीं उनकी पढ़ाई, वही पेपर ही अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनका मतलब बिल्कुल जीरो हो गया,
उन्होंने इतनी मेहनत की रात दिन भाग दौड़ करके, लेकिन कोई विशेष रूप से ध्यान रखना जो मैंने बातें बताई आपको, विशेष रूप से जय हिंद जय भारत।